अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। चंद्रमान कवि ने यह काव्य रचना की थी। तो अरिहंत को भजते हुए अपन ने नमोकार के प्रथम पद के चार अर्थ समझे, सात प्रकार के केवलियों का विवरण सुना, उनके नौ क्षायिक भाव और तीर्थंकरों के अष्ट महाप्रातिहार्य पंच कल्याणक आदि बहुत सारे गुणों को अपन ने जाना। और फिर अपन सीधे नमो सिद्धाणम पर आए तो नमो सिद्धाणम का विवरण अद्भुत है, सुंदर है, कल्याणकारी है और संलेखना को सुधारने वाला है। किसी बहुत बड़े अनुभवी से एक रहस्य जानने मिला था कि मरण काल में सिद्ध का ध्यान श्रेयस्कर होता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ओम सिद्धाय नमः ऐसा बोलते हैं। वर्णी जी की धर्म माता ने भी अंतिम श्वास जब ली थी ओम सिद्धाय नमः, अंतिम श्वास में सिद्धों का स्मरण श्रेयस्कर होता है। आचार्य वासुपूज्य स्वामी महाराज जी ने भी अंत में अपन ने सब तो अपन वहाँ पर थे ही उपस्थित थे तो वो जो षट कमल विधि थी उसमें भी अपन ने प्रयास किया था ओम नमः सिद्धेभ्य का ही वो एक एक पंखुड़ी पर ध्यान करें, बराबर उन्होंने व्यवस्थित ढंग से ध्यान किया। फिर सब कुछ त्याग करके उन्होंने ऐसा संकेत किया कि मुझे यहाँ ले चलो, वास्तव में वो पाटे का भी त्याग था अंततः। देखिए उनके अंदर कितनी जागृति थी कि वो सीधा अगर कहेंगे कि मुझे नीचे बैठा दो तो कोई मानेगा नहीं, वैसे ही किया तो उन्होंने कितनी युक्ति से कार्य किया तो स्थान बदलने के बहाने वो वहाँ पर आ गया और भूमि पर मात्र एक कार्टन का जो अंश होता है उस पर वो बैठ गए। नीचे बैठे थे, नीचे ज़मीन पर नहीं थे उस टाइम, वो कार्टन था, कार्टन था। और फिर हितेंद्र सागर महाराज जी सपोर्ट दिए हुए थे और भी सब साधु वहाँ पर अपना अपना कार्य कर रहे थे। पीछे में था, पीछे थे ना, ये सामने प्रतिमा लेते थे और मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विशेष बात हम बताना चाह रहे थे
वो ये थी कि हमने उस समय पूछा था कि आचार्य श्री के इष्ट परमेष्ठी कौन है। पंच परमेष्ठी सबके इष्ट, लेकिन विशेष क्या होता है कि किसी को नमो रंधाणु से प्रीति अधिक होती है, किसी को नमो सिद्धाणु से हो सकती है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई नमो आयरियाणु को अधिक पसंद करते हैं, कोई नमो उवज्जयाणु को, कोई नमो लोए सबसे साहुण, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर दीदी ने कहा था, नेहल दीदी जी ने, ब्रह्मचारिणी जी ने, कि सिद्ध भगवान, तो फिर सिद्ध प्रतिमा आप ही लेकर आए थे, उनके सामने लाया, फिर अपन ने ओम नमः सिद्धेभ्य को ही पढ़ना प्रारंभ किया, क्योंकि अपन बार बार मंत्र बदल रहे थे, तो उसमें हमने निवेदन किया था कि अपन मंत्र न बदलें, उनका ध्यान अपने को स्थिर करना है, मंत्र बदलने से ध्यान स्थिर नहीं होगा, तो एक परमेष्ठी पर अपन आ जाते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य। और जब उनकी आयु के अंतिम क्षण निकट आ गया तो उन्होंने ऐसे दृष्टि की और उनका मुंह तीन बार हिला, ओम नमः सिद्धेभ्य, ऐसे उनने, उनके मुख को देखकर लग रहा था कि वो साथ में पढ़ रहे हैं ओम नमः सिद्धेभ्य, और शांत हो गए। क्या इसका स्मरण करके भी अपन सब भूल जाते हैं कि क्या दुनियादारी में क्या स्थिति चल रही है, आज कैसा क्या हुआ, सिर्फ उस दृश्य का मात्र स्मरण कर ले तो समझ में आता है कि क्या साधना की होगी जीवन में, कि ओम नमः सिद्धेभ्य आवाज नहीं निकल रही है, 5 दिन से जो लेटे तक नहीं है, आहार तो नाम मात्र चलता था, क्या साधना होगी, ये परीक्षा सबको देनी है और तब पता चलेगा किसके कितने नंबर है, नंबर की बात करने वालों, ये चतुराई का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग, चतुराई साधु का दोष है, सरलता साधु का गुण है, और चतुराई दरबारी का गुण है, सरलता उसका दोष है। नीति शास्त्र में कथन है, यानी ये नीतियां विभिन्न देशों में चलती है, ये रूस नीति में ये बात लिखी हुई है कि चतुराई साधु का दोष है, दरबारी का गुण है, सरलता साधु का गुण है, दरबारी का दोष है। जो दरबारी सरल होता है वो समस्याओं को नहीं निपटा सकता, इतनी कुटिल समस्याएं आती सामने, जटिल समस्याएं आती और कुटिल लोग लेकर के आते हैं, कैसे उलझेंगे। जो शासक वर्ग है, आज की भाषा में शासक वर्ग कह सकते हैं, पहले राज दरबार होते थे, जितनी सरलता और जितनी सहजता होती है उतनी ही साधुता होती है। शब्द जाल पंडित को शोभा देता है, साधु को नहीं। साधु की वाणी तो हृदय से निकले तब शोभित होती है। तो इस तरह नमो रंधाणु की यात्रा समाप्त नहीं हुई है, व्याख्या को कुछ विराम मिला है, नमो सिद्धाणु जो दूसरा पद है महामंत्र का, उस पर विचार प्रवर्तमान है। शिदु संराधौ धातु से क्ता प्रत्यय करने पर व्याकरण के नियम से सिद्ध शब्द तैयार होता है, बनता है, शब्द बनते हैं, कभी बिगड़ भी जाते हैं, यदि कोई अनजान व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो शब्दों के उच्चारण दूषित हो जाते हैं, अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं। जैसे माणवक शब्द एक है शास्त्रों में, माणवक शब्द का अर्थ बिलाव नहीं होता, लेकिन कुछ विद्वानों ने माणवक शब्द का अर्थ बिलाव कर दिया, तो जो उनको सर्वोच्च मानने वाले पाठक थे वो अब माणवक का वास्तविक अर्थ स्वीकार करने को राजी ही नहीं होते, उनको लगता है कि नहीं उनने कहा है तो फिर माणवक का अर्थ तो बिलाव ही होगा। आप संसार के किसी भी कोश में देख लो, माणवक का अर्थ तो बालक होता है, मानव का बच्चा माणवक,
बिलाव कहाँ से आ गया? लेकिन ऐसा हो जाता है, तो अपने को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है जी। माणवक एव सिंह, बस वहीं पर की, वहीं की तो बात कर रहे हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनव गीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य निश्चय यज्ञस्य। ये पूरा काव्य था, तो वहां अनुवादक ने किसी ने माणवक का अर्थ बिलाव लिख दिया, तो फिर वो चला आ रहा है। ठीक है, फिर उन पर अपन अधिक शक्ति नहीं लगा सकते जो आग्रही हैं, जो आगम को तत्काल स्वीकार करने में तत्पर है अथवा उत्सुक है, उनके लिए ये धर्मोपदेश है। और आगम का स्थान कितना ऊंचा है, इस पर अपन चर्चा सम्यक दर्शन के प्रकरण में कर चुके हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पहले जिनेन्द्र देव को बताया और उसके बाद उनकी वाणी को बताया, और तीसरे स्थान पर तपोधन को बताया, तपोवृत को बताया, तपश्चरण को धारण करने वाले गुरुजन को बताया। क्योंकि गुरु यदि आगम शून्य हो तो गुरुत्व रहित होने के कारण गुरु नहीं हो सकते। गुरुत्व कहां से आता है? सपने देखने से थोड़ी आता है गुरुत्व, गुरुत्व आगम से आता है। और जो गुरु आगम को अमान्य कर दे उनको कोई गुरु मानेगा क्या? कैसे मान सकता है? अंधश्रद्धालुओं की बात नहीं चल रही है यहां, विवेकियों की बात चल रही है। मूलाचार ग्रंथ में तो लिखा है कि अगर कोई गुरु दीक्षा छोड़ दे तो उनके शिष्यों छोड़ी हुई दीक्षा वालों को नमस्तो नहीं कर सकते, उनकी वंदना नहीं कर सकते। नो वंदेज अविरगम, उस गाथा में 594 नंबर गाथा में लिखा कि साधु किनकी वंदना नहीं कर सकता। तो श्रिदु संराधोमिकता प्रत्यय लगाकर सिद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। इसके उच्चारण पर अपनी चर्चा हुई थी कि इसका उच्चारण सिद्ध सी में स्वराघात पूर्वक ही होता है। सिद्ध सी की जो सी में जो ई की मात्रा है वो द और ध जो बना है। पहली बात तो यह है कि जो एक आज प्रचलन है, कई कैलेंडरों में कई स्थानों पर नमोकार मंत्र जो लिखा हुआ मिलता है उसमें स में ई की मात्रा लिखी रहती है और उसके बाद में ध लिखा होता है आधा, और उसके बाद दा लिखा होता है, और फिर ऋणम लिखा होता है। सिद्ध दानम हो गया उसका उच्चारण। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने कहा कि प्रकाशन का कार्य बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है, एक अक्षर दूषित हो जाने पर आगम के अवर्णवाद का पाप लग सकता है। यानी एक अक्षर अगर दूषित हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पूत पूती शब्द है, उसके स्थान पर अगर पूत छप जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? नहीं, पूत का अर्थ पवित्र होता है और पूती का अर्थ घृणित होता है, अपवित्र होता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाली जो कारिका है रत्नकरण में सातवी प्रतिमा की, उसमें अपन देखो शुद्ध पाठ और अशुद्ध पाठ का अपन सैंपल देखते हैं कैसा है, उदाहरण लेकर देखते हैं। मल बीजम मल यूनिम गलन मलन पूत गंध भी भत्सम, क्या हो जाएगा अर्थ? पूत करोगे तो पवित्र गंध से युक्त कैसे बनेगा? संभव ही नहीं है। अब शास्त्र में लिखा है बड़ी, और आपने पढ़ा बीड़ी,
तो क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और पढ़ने में हो जाना अलग बात है, और अगर छपने में हो जाए तो अपन जितने भी अशुद्ध पाठ पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत में अपने को पुस्तकें मिली ना सीखने के लिए, उसमें से सीख करके पढ़ रहे हैं, तो बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है कि आप शुद्ध पाठ ही प्रकाशित करें। पहले जैसे राजा लोग लिखवाते थे प्रतियां, राजा लोग और श्रेष्ठी लोग भी लिखवाते थे, तो उनसे गलती नहीं होती थी? होती थी ना। फिर क्या करते थे? तो उसको जांचते थे, फिर उसको दोबारा लिखवाते थे उस पेज को, उस पेज को, उस पृष्ठ को दोबारा लिखना पड़ता था उसको। वहाँ पर कुछ इरेज करके ऐसे कुछ नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वो जैसे अपन वाइटनर लगाते ऐसा कुछ नहीं होता था? अरे वो परमानेंट इंक होती थी उस टाइम की, कि वो जल में या वातावरण में खराब ना हो, श्रेष्ठ वस्तुओं से उसका वो किया जाता था लिपिकरण। वो पूरा एक पन्ना एक पत्र ही पूरा फिर से लिखते, फिर से लिखना होता था उसको। और वो भी जैसे पेज नंबर से बराबर ही होते थे, जैसे इसमें इस पेज पे वो, तो जो दूसरा लिख रहा है उसमें भी वही पेज नंबर रखते थे? वो तो क्यों नहीं लिखोगे, कैसे बदल देंगे वो पेज नंबर? क्यों बदलेंगे? जब उस पेज को सुधार रहे तो उसी पेज को सुधार रहे। नहीं नहीं, जैसे शांतिनाथ पुराण जैसे मैंने लिखा, इन्होंने भी लिखा, तो जिस पेज पे मैं जितना मैटर लिख रहा हूँ उसी पेज पे ये भी दूसरा व्यक्ति उतना ही मैटर, वही मैटर लिख रहा है। मूल हस्तलिखित प्रति है उसका पूरा अनुकरण करना होगा हमको, फिर अनुवाद होने के बाद पेजेस बढ़ जाते हैं तो फिर नंबर बदल जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मूलतः उनने जैसा लिखा है वीरसेन आचार्य महाराज ने हड़े कन्नड़ में, जो धवल आदि ग्रंथ है, नागरी लिपि तो बहुत बाद में आई है, आज की जो अपन लिपि पढ़ रहे हैं संस्कृत वगैरह की या प्राकृत की, वो बहुत बाद की है। नागरी लिपि जिसको देवनागरी भी बोलते हैं, ये कोई प्राचीन लिपि नहीं है। प्राचीन लिपियां तो हरे कन्नड़ वगैरह थी, तमिल लिपि द्रमिड़ बोलते थे उसे, तो उन लिपियों में जो पुराने शास्त्र है अपने, आप ये आचार्य कुंदकुन स्वामी के जो प्राचीन ग्रंथ हैं या षटखंडागम आदि जितने ग्रंथ हैं, धवल आदि ग्रंथ हैं, वो एक भी ग्रंथ आपको नागरी लिपि में नहीं मिलेगा। फिर उनका रूपांतरण करके जो प्रतिलिपियाँ तैयार हुई हैं वो एक अलग विषय हो गया। फिर आचार्य शांति सागर महाराज ने नागरी लिपि में उसकी ताम्र लिपियां भी तैयार करवाई थी। तो एक अक्षर की चूक भी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। एक पुस्तक आई थी हाउ टू रीड एंड राइट गुड इंग्लिश, पूरी प्रकाशन की, उसमें उन्होंने ऐसे वाक्यों का उदाहरण दिया था, संग्रह दिया था, कि वाक्य में कौमा गलत जगह लग जाने से युद्ध हुए। राजा ने डिक्टेट किया, मतलब मौखिक रूप से कहा कि ये संदेश लिखो, लिखने वाले ने उसको लिखा, लेकिन अल्पविराम गलत स्थान पर लगा दिया तो युद्ध हो गया। ऐसे उदाहरण दिए उसमें। तो अपन आगम के विषय में ऐसी असावधानी नहीं कर सकते। चत्तारे मंगलम का पाठ जो बदल दिया लोगों ने, 57 की प्रकाशित ज्ञानपीठ पूजांजलि में वो नया वाला पाठ आ गया, और आज बड़े बड़े आचार्य और साधु लोग नया पाठ करते हैं, और पुराना पाठ हमने खोज की, ज्ञानमती माता जी ने भी बहुत परिश्रम किया इसके ऊपर, तो हमने 11 ग्रंथों से संग्रह किए पाठ, प्राचीन पाठ चत्तारी मंगल के, तो वही पाठ प्रामाणिक है। आप व्याकरण लगाकर होशियारी मत बताओ। अब कई विद्वान हमारी कई बार चर्चाएं हुई है, फिर फूलचंद प्रेमी जी विद्वान वहां पर, वाराणसी में चार चार विद्वान बैठते थे सभा में, फूलचंद प्रेमी जी थे, अशोक जी थे, सुदर्शन लाल जी थे, और एक कमलेश जी भी आते थे, तो वो लोग बैठते थे। तो जब हमने प्राचीन पाठ का अर्थ, जो किसी विद्वान के सामान्यतः बुद्धि में नहीं आता, उस अर्थ को हमने घटित करके बताया कि कैसे घटित होता है, पंडित जगनमोहन लाल जी ने घटित किया था पहली बार कि ये ऐसे घटित होता है, तो जब घटित करके बताया तब फिर फूलचंद प्रेमी जी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपने बहुत महत्व की बात बताई, सचमुच हम लोगों को कोई पाठ बदलना नहीं चाहिए। उनके सुपुत्र फूलचंद प्रेमी जी के अनेकांत जी, वो
पागड़ कोई एक पत्रिका निकालते हैं, पागध भाषा करके एक पत्रिका निकालते हैं प्राकृत में, तो उनसे भी चर्चा हुई हमारी। तो ऐसे पाठ बदलने योग्य नहीं है कोई भी। अब आप देखिए समय पावड़ के 156 भी गाता क्या लिखा उसमें, मोत्तूण निश्चय अट्ठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टंती परमठम अस्सिदा उदो खलु परमठम अस्सिदा खलु मुनिनो पावंति निब्बाण। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसका अर्थ पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने जो किया है उसके आधार पर फिर कांजी स्वामी आदि जो भी प्रवक्ता हुए हैं उन्होंने व्याख्यान किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्याख्याता को भी अपने विवेक से विचार करना होता है कि क्या यह अर्थ प्रासंगिक है, क्या यह अर्थ घटित हो रहा है। तो कांजी स्वामी ने समय सार प्रवचन में लिखा है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी के समय भी व्यवहारी पंडित होते थे, अर्थात व्यवहार का पक्ष लेने वाले पंडित होते थे, जबकि वो अर्थ वहाँ पर है ही नहीं, न गाथा में है न टीका में, पर चल रहा हो। फिर उनके जो अनुयायी हैं उनको इतनी छोटी सी बात को स्वीकार करने में उठा पटक करनी पड़ेगी, सरलता से वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्रद्धा है, और श्रद्धा को ज्ञान के जगत में लाना बहुत हानिकारक होता है। ज्ञान का विभाग अलग रहने दो, श्रद्धा का अलग रहने दो, और ज्ञान जब आगम का अनुकूल हो जाएगा तो श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, निश्चिंत रहना। और श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो फिर वो जो ज्ञान है वो सम्यक हो जाएगा उसी क्षण, बल्कि उसी समय कह लो। जिसको मिथ्यात्व से भय हो वो चयन कर सकता है इस मार्ग का। अभी जो बातें कही गई है ये एक मार्ग है, एक उपाय है, मार्ग का अर्थ यहां मोक्ष मार्ग नहीं, एक उपाय है कि आगम सर्वज्ञ वचन होने के कारण पंचम काल में आगम से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, कोई अन्य नहीं है। सर्वज्ञ की स्थापना जो है वो भी आगम से ही आई है, नहीं तो कौन जानता था सर्वज्ञ की स्थापना कैसे हो जाती बिना आगम के। तो सर्वोपरि आगम है। रहण सार में तो लिखा है कि अध्ययन मेव झाणम, आगम का अध्ययन करना ही पंचम काल में ध्यान है। कितनी बड़ी बात है, अध्ययन मेव झाणम गाथा आपको मिल जाएगी रहण सार। तो सिद्धु संराधव से सिद्ध पद बना है और नमो सिद्धाणम में संस्कृत छाया करने पर नमः सिद्धेभ्यः ये रूप बनता है। नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, नमः सिद्धेभ्यः, और कदाचित आर्षक प्रयोग में द्वितीया का भी होता है, प्रथम करणम चरणम द्रव्यम नमः। वो तो ना कहीं पे इसकी संस्कृत छाया करें ना, प्राकृतिक पठम करणम तरणम द्रवम दमम नमः, ऐसे कहीं पे कुछ ऐसा है, मतलब वास्तव में मूल में उसमें है नहीं समाधि भक्ति में, जहाँ पे गुरु जी ऐसा बताते हैं। लेकिन प्राकृत में भी षष्ठी लगाते हैं नमः के साथ, जहाँ भी आप देखेंगे षष्ठी मिलेगी आपको। नमो भयवधु महादि महावीर वड्डमाण बुद्धि ऋषिणो षष्ठी कहाँ से प्रथम हो गया, कैसे प्रथम हो गया षष्ठी भगवतः क्या है,
षष्ठी नहीं, संस्कृत में षष्ठी है कि प्राकरण का भय वद जो दिया ना, हाँ तो प्रथमा हुई ना, प्रथमा नहीं हो सकती, भयवम होता है प्रथमा में, विमल मणंतम भय अलग बनेंगे, ठीक है, विमल मणंतम भयवम नकारांत है, ठीक है, वैसे तो वहाँ पर द्वितीय अभिप्रेत है पर प्रथमा का प्रयोग किया गया विमल मणंतम भैवम में, वंदे द्वितीय ही है ना, वहाँ द्वितीय है पर हम बता रहे हैं गुरु को, हम प्रथमा का उदाहरण देते हैं आपको, नियमसार की शुद्धोपयोग अधिकार की पहली गाथा है, जानदि पश्यदि सव्यम व्यवहार नयेण केवली भगवम, यहाँ प्रथमा है, भगवम का अर्थ भगवान है, हलंत प्रथमा का एक वचन, और द्वितीय के एक वचन में भगवंतम बनता है, इनके इसमें भयवंतम होगा, हाँ भयवंतम बन सकता है प्राकृत में, हमारे पास में कि प्राकृत शब्दानुशासन करके एक पुस्तक है, वो तो व्याकरण है हेमचंद आचार्य, और कुछ नाम अपन पास लाए थे, ये षष्ठी है, नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमाण बुद्धि ऋषिणो ऋषिणो, षष्ठी है, और षष्ठी चतुर्थी के अर्थ में, वहां पर चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी दी है प्राकृत में, ऋषिणो ये प्राकृत में क्या हुआ, प्राकृत में हुआ ना ऋषिणो, तो षष्ठी हुआ प्राकृत में, नहीं तो अभिप्राय उसका चतुर्थी का है, ऋषिणो शब्द षष्ठी का प्रयोग है व्याकरण से, पर अभिप्राय वहां चतुर्थी का ले रहे हैं नमो के साथ, नमो भय वदो भगवत से भय वदो बना, बिल्कुल, तो भगवत शब्द संस्कृत का षष्ठी में था, नियम भय वदो जब वो प्राकृत बन गया तो वो कौन सी विभक्ति है, वहां पर अभिप्राय नमः के साथ में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी को लिया गया है, तो भय वदो षष्ठी में भय वदो होता है भगवत शब्द के रूप में प्राकृत में, अवश्य प्राकृत में द्विवचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होता है, और कैसे रूप बनेंगे, भयवम भयवंतो, भयवंतम भयवदो, द्वितीय के बहुवचन में ये तीन जगह बनता है, भयवदो द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, और तृतीय में भयवदा भयवंते ही, चतुर्थी भयवंती वो ठीक है जहाँ अपेक्षित जैसा है वैसा, फिर चतुर्थी में भयवदे ये बनता नहीं है, और भयवद भया बन नहीं सकता है, इसलिए उसके चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का ही प्रयोग किया है, भयवदो और भयवंताणम ऐसे रूप बनते हैं, और पंचमी में भयवदो और बहुवचन में क्या बनेगा, भय के स्थान पर पंचमी का भी कठिन है कुछ बनाना, षष्ठी में तो ठीक है सरल है, और सप्तमी में भयवंते और फिर सुख प्रत्यय के साथ कैसे बनेंगे, भयवंते सु ऐसा कोई रूप बनेंगे, उसमें तो भगवत्सु बनता है ना, वो तो संस्कृत में बनता ही है, भयवत्सु ऐसा नहीं बनता होगा, नहीं बनता वत्थु बनाएंगे तो नमोस्तु में नमोत्थु बनता है, स्तु हो जाएगा, भयवत्थु बनाएंगे तो वहाँ पर वत्सु 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 चाहिए तब पहले, तो नमो सिद्धान नमः सिद्धेभ्य ये उसकी छाया बने, और ये पांच अक्षर का एक महान मंत्र है, और एक नियम है मंत्रों के लिए कि जिनके नामाक्षर सम संख्या में हो
उनके लिए विषम संख्या वाले मंत्राक्षर का मंत्र शुभ होता है, और जिनके नामाक्षर विषम संख्या में उनके लिए सम संख्या वाले मंत्र शुभ होते हैं। तो फिर नमो ये नमः सिद्धेभ्यः, ये सम संख्या वाले नाम के लोग जो हैं उनके लिए शुभ है। तो नमोकार मंत्र वैसे मास्टर की है तो वो सबके लिए लागू होता है। चालू नाम लेना है, चालू नाम लेना, तब अपन दीक्षा लेने का अपने अब वाला नाम लेना, ये वाला नाम लेना। कुछ फरादेश जन्म राशि से किया जाता है और कुछ अनुष्ठान नाम राशि से होते हैं। जिस नाम का 30,000 से अधिक बार उच्चारण हो चुका हो वो नाम उस मनुष्य पर हावी रहता है, उसका प्रभाव रहता है उस मनुष्य पर। आगे आधा अक्षर होने पर दो वर्ण थोड़े, दो अक्षर थोड़ी हो जाएंगे, मात्रा दो हो जाएंगी, अक्षर तो एक ही कहलाएगा ना, चंद्र दो ही अक्षर कहलाएंगे। हाँ, अक्षर तो जितने स्वर होते हैं उतने ही होते हैं, चाहे वो व्यंजन मिश्रित स्वर हो चाहे शुद्ध स्वर हो, जितने स्वर होते हैं उतने ही वर्ण होते हैं। अच्छा, ये नियम है। तो नमो सिद्धांत जो सीज चुके हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, तो क्या कच्चापना क्या था पहले, तो वो अघाती कर्म जो थे ना वो उदय में थे। तो अघाती कर्म के उदय में जो प्रतिजीवी गुण थे वो कच्चे थे, वो पके नहीं थे। अब घाती अघाती सभी कर्मों के क्षय के उपरांत सारे के सारे गुण उद्घाटित हो गए और वो आत्मा सीज गई, सिद्ध हो गई। सिद्ध शब्द का ही हिंदी में सीज अपभ्रंश में है, सीज। खिचड़ी सीज गई कि नहीं पूछते चौके में, अपन ऐसा भी बोलेंगे चावल सिद्ध हो चुके। एक एक दाना सिद्धांत बोलते हैं ना, सिद्धांत सीजा हुआ अनाज, तो एक दाना से टेस्ट करके बताते हैं। ये अभी थोड़ी बची है, थोड़ा टाइम है, ध्यान रखना जल ना जाए बोलते, लग ना जाए बोलते, जल ना जाए नहीं बोलते, लग ना जाए। नमो सिद्धांत, तो चार कर्मों के क्षय से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, और तीर्थंकर के पुण्य से प्रातिहार्य प्रकट हुए। जो प्रातिहार्य पराश्रित है वो पुण्य से प्रकट हुए, जैसे उनका आभा मंडल है वो ठीक है, वो भी उनका व्यक्तिगत पुण्य, उसमें दूसरों का आलंबन नहीं है। आभा मंडल में दिव्य ध्वनि है, तो दिव्य ध्वनि में वो भी उनके ही शरीर आश्रित है, उसमें दूसरों का आलंबन नहीं है। आभा मंडल भी शरीर आश्रित है, दूसरों का आलंबन नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रातिहारी जो हैं वो पराश्रित है और कुछ स्वाश्रित है। व्यवहार ने इसे देखें अथवा गुणभद्र आचार्य महाराज की वाणी में अपन देखें, तो अरहंत चूंकि सिद्ध नहीं है, तो जो भी सिद्ध नहीं है उनके भी दो भेद किए हैं आचार्य अकलंक देव ने। असिद्ध दो प्रकार के बताए, एक संसारी असिद्ध, दूसरे नो संसारी असिद्ध। तो संसारी असिद्ध कौन है, तो जिनमें विभाव है, स्वभाव है और शरीर है, उनको संसारी कहते हैं। विभाव, स्वभाव और शरीर, ये तीनों जहां पाए जाते हैं वो संसारी कहलाते हैं। और नो संसारी कौन है, परमात्मा,
सकल परमात्मा यानी अरहंत भगवान, जिनके पास शरीर है लेकिन संसारी जैसा नहीं, परम औदारिक शरीर हो गया, निर्जीव शरीर है जिनका, केवल उनका ही जीव उस शरीर का अधिष्ठाता है, शरीर के आश्रित एक भी जीव नहीं है, परम औदारिक शरीर होता है अनंत परमात्मा का। और क्या विशेषता है? बोले कि जो संसार में फंसाने वाले कर्म थे वो सारे नष्ट हो गए, इसलिए वो नौ संसारी है, अब संसार भ्रमण नहीं करने वाले हैं, जितनी आयु बची है बस उतना ही उनका संसार है। नौ संसारी का अर्थ होता है ईषत संसारी, एक देश संसारी, आंशिक रूप से संसारी, और भावी प्रज्ञापन से तो वो सिद्ध ही हैं। कैसे? तो सामायिक पाठ में एक काव्य आता है, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तैः सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मबन्धः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तैः सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मबन्धः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। ये अरहंत देव की स्तुति की जा रही है आचार्य अमित गति द्वारा। क्या कह रहे हैं वो? विश्वजनीन वृत्ते है यह व्यापक, जो विश्वजनीन वृत्ति के कारण है, पंचमी का प्रयोग है, हेतु प्रयोग है पंचमी। विश्वजनीन वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जनीन का अर्थ होता है जनेभ्यो हिता इति जनीना, जनीना चासो वृत्ति ही जनीन वृत्ति ही श्रद्धा देर ह्रस्व, जनीन में आ की मात्रा का लोप कर दिया, कर्मधारय समास तो बनाया हमने लेकिन आ की मात्रा का लोप कर दिया। तो विश्व कल्याणी वृत्ति, जगत हितकारी वृत्ति के कारण अरहंत परमात्मा व्यापक है, केवल एक संप्रदाय के नहीं। विश्वजनीन वृत्ते यह व्यापक, व्यापक है, सर्व कल्याणकारी सबके हैं। एक समूह कहता है कि हमारे हैं, नहीं आचार्य कहते हैं कि सबके हैं, जो असीम है वो सीमित कैसे हो जाएंगे? फिर क्या कह रहे हैं? सिद्धो, जो भावी प्रज्ञापन नए से सिद्ध ही है, यानी जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ने गया और बस फाइनल की परीक्षा बाकी है तो उसको डॉक्टरी कहते हैं, आइए डॉक्टर साहब, ये कहते हैं। तो जो साध्य के निकट है उनको सिद्ध साध्य ही कहा जाता है, तो अरहंत भगवान को सिद्ध कहा। अरहंत सिद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध होने वाले हैं इसलिए उनको सिद्ध कहा। विबुद्धो, विबुद्धो का अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ होता है बोधतिस्म इति बुद्ध, जो सब जान चुके हैं उनको बुद्ध कहते हैं। और विबुद्ध का अर्थ क्या होता है? जो विशेष बुद्ध है, सब जानने वालों में भी जो विशेष है वो अरहंत है। धुत कर्म बंध, जिनने कर्म से होने वाले बंध को धुत यानी नष्ट कर दिया, यानी जो बंधन से रहित है, नवीन बंधन से। फिर इसकी और व्युत्पत्ति करेंगे अलग अलग समास बना करके, तो वैसा भी हो सकता है, पर अभी प्रासंगिक व्युत्पत्ति ये है कि जो नवीन बंधन से मुक्त है,
साता आ रही है, जा रही है, ठहर नहीं रही है। ध्यातो धुनी ते सकलम विकारम, क्या सुंदर बात लिखी है। ध्यातः, आप अगर एक बार ध्यान लगा लो अरहंत का ढंग से, तरीके से लगाओ, ये गाइडेड मेडिटेशन नहीं चलेगा, आप अपने ज्ञान से लगाओ ध्यान। कोई आपको निर्देशित कर रहा है कि ऐसी कल्पना करो कि शरीर हल्का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो ठीक है, ये प्रक्रिया वहां काम नहीं आने वाली है जब आपको अपने आत्मा का कल्याण करना होगा। ये तो एक अभ्यास है मन को स्थिर करने का, शांत करने का। ये यदि आगम सम्मत हो, यानी आगम के वचन इसमें अगर जोड़े जाते हैं तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इसमें अगर कभी कभी कोई ऐसी बात आ जाती है जो अपन यहां वहां से सुनकर इकट्ठा करके बस अपने सत्रों में इसका निर्देश प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने को थोड़ा सिद्धांत का भी ध्यान रखना होता है। कोई ऐसी मान्यता अपने श्रोता के अंदर स्थापित ना हो जाए जो आगम से प्रतिकूल हो। आप अथवा आप और सरल रखिए ना, ज्यादा जटिल विषय मत डालो उसमें, जिसके लिए आपको आगम में परीक्षा करनी पड़ेगी कहाँ तक सच है, वो हटा दो। जहां डाउट हो वो चीज निकाले दो, सिंपल रखो आप बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए तो इसके लिए बड़ी पात्रता अपेक्षित है। ध्यान के लिए 5 पात्रताएं बताई है, वैराग्यम, तत्व विज्ञानम, नैर्ग्रंथम। जिसकी चाय नहीं छूटी वो कैसे ध्यान करेगा मोक्ष उपयोगी, वो काहे का ध्याता हो सकता है। तो यहां तो बहुत बड़ी बात है, ये जो जिनेन्द्र शासन का ध्यान है ये मोक्षोपयोगी ध्यान है। आप जो दूसरा कोई ध्यान कर रहे हो तो उसका हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन ये आत्म कल्याण वाला जो ध्यान है उसके ऊपर हम बता रहे हैं कि 5 पात्रताएं होती, वैराग्य, तत्व विज्ञान, परिग्रहों का त्याग, मन में समता भाव रखना और कष्टों को सहन करना। ये 5 बातें अनिवार्य है। तो अपनी मूल चर्चा क्या थी? सिद्ध तो थी, 3 11 क्रियाओं से लिया था। नहीं, वहां से तो नहीं, वो तो एक अलग विषय है। नौ संसारी ये विषय चल रहा है। तो अरहंत भगवान नौ संसारी, वहां आचार्य कह रहे हैं, अमित गति आचार्य, कि ध्यातः, आप ध्यान लगा लो, और अगर एक बार ढंग से आपने ध्यान लगा लिया अरहंत भगवान का, तो सकलम विकारम धुनी थे, सब विकारों को, आपके अंदर के सारे विकारों को वो फटकार देते हैं। धुनीते का अर्थ क्या होता है? ऐसे जैसे कपड़े में धूल लगी और आप ऐसे फटकार दो तो कितनी धूल उड़ जाती है ऐसे वातावरण में। तो आपके विकारों को, जैसे आपके मन में विकार आ रहा है, क्रोध आ रहा है और कोई विकार आ रहा है, आप ध्यान लगाइए अरहंत का, वो आपके विकारों को फटकार देंगे, अलग कर देंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, अपने आप आपको लगेगा जाने दो, उसके बारे में मुझे आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है, ये कर्मबंध मुझे पेलने वाले हैं, जिसके निमित्त से कर्मबंध मुझे अशांति हो रही है, उसका कुछ हो या ना हो उसका वो जाने, लेकिन मेरा अकल्याण होगा, दुर्ध्यान से मेरा ही अहित होने वाला है, इसलिए मैं नमो अरहंताण बस उनका ध्यान करता हूँ। तत्काल सारे विकार शांत हो जाते हैं। आप कीर्तन करने लग जाओ तो विकार शांत हो जाएंगे, जय जय आदिश्वर स्वामी बोलो। दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो उसके सामने मत बोलना जय जय आदिश्वर स्वामी, वो और पिनक जाएगा। अपने को गुस्सा आ रहा है तब आप कीर्तन करने लगो, गुस्सा शांत हो जाएगा। ध्यातो धुनी ते सकलम विकारम सदेव देव मम हृदय आसाम, मेरे हृदय में विराजमान है। क्या बात है, जय नम जय तुशासन।